वालेकुम। जिन लोगों को अपने लेक्चर रिकॉर्डिंग में ये इशू फेस करना पड़ रहा है कि अगर कोई मिस्टेक हो जाए या कोई इंटरप्शन हो जाए तो उसकी वजह से लेक्चर उनको दोबारा से नए सिरे से रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो उनके लिए मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ कि ZR स्क्रीन रिकॉर्डर में एडिटिंग काफ़ी आसान है और आप इजीली इसको कर सकते हैं। एडिटिंग करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड करें, जहाँ पे आपका इंटरप्शन आ रहा है उस इंटरप्शन को आप या तो एज इट इज़ रहने दें या फिर वहीं पे अपना लेक्चर स्टॉप करके वहीं से कंटिन्यू करें, दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट ना करें। इसी तरह से रिकॉर्ड करके आपके पास 3 से 4 क्लिप्स जमा हो जाएंगे। तो जब आप अपनी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लें उसके बाद आप इस फोल्डर को ओपन करें। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद आप अपनी रिकॉर्डिंग को सुने और जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे कोई मसला आया है वहाँ पे आप इसको वहाँ पे आप उसका टाइम नोट डाउन कर लें कि इस जगह इतने मिनट से इतने मिनट तक मुझे अपनी इसको डिलीट करना है। ठीक है, अच्छा, वंस आपने अपने टाइम रिकॉर्ड कर लिया, तमाम रिकॉर्डिंग्स के सुन के इस तरह से टाइम रिकॉर्ड कर लें। उसके बाद ये जो कट का टूल है इसको चूज़ करें। कट के टूल पे जाके फॉर एग्जांपल आपको लास्ट 30 सेकेंड्स जो हैं वो उसमें से रिमूव करने हैं, तो लास्ट 30 सेकेंड्स रिमूव करने के लिए मैंने इसको छोटा कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फास्ट कटिंग के ऑप्शन को आप क्लिक कर दें। फास्ट कटिंग में ये होता है कि अगर आपने MP4 वीडियो को सेम MP4 फॉर्मेट में ही सेव करना है तो आप यहाँ पे फास्ट कटिंग चूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो का फॉर्मेट चेंज करना है तो आप फास्ट कटिंग चूज नहीं कर सकते। सिंस हम MP4 वीडियोज पे ही काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फास्ट कटिंग का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसको आप फास्ट कटिंग पे चूज करके इसको सेव कर दें। अब ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है ये एक नए नाम से यहाँ पे सेव हो गई है। ठीक है, ये आपकी एडिटेड रिकॉर्डिंग है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको रीनेम कर सकते हैं और अपनी आसानी के लिए मैंने इसको रीनेम कर लिया एडिटेड वन। ओके, नाउ मैं अपनी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग की एडिटिंग करूंगी। फॉर एग्जांपल मुझे अब सेकंड नंबर पे ये वाली रिकॉर्डिंग एडिट करके ऐड करनी है, तो इसको मैंने कट किया, इसको मैंने शॉर्ट किया अराउंड 30 सेकेंड, फास्ट कटिंग चूज की और राइट क्लिक कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैंने अगेन इसको मैंने नाम दे दिया एडिटेड टू का। इसी तरह से आपके पास जितने भी क्लिप्स होंगे उनकी आप एडिटिंग करके सेव कर दें और 1, 2, 3 उनको इस ऑर्डर में करके डाल दें जिस तरह से आपने उनको लिंक करना है। अब लिंक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल का बटन दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लें। अब ये जो ऑप्शन है लिंक का इसको आप चूज करें। यहाँ पे आप इसकी अप एंड डाउन भी कर सकते हैं अगर आपके उस ऑर्डर में नहीं आ रही है जिस ऑर्डर में आपने चूज़ की थी। अगेन फास्ट ज्वाइनिंग को चूज़ करें और इसको ओके कर दें। अब जो आपका पूरा जो एडिटेड जितने भी क्लिप्स थे वो सारे एक नए लेक्चर की फॉर्म में यहाँ पे सेव हो गए। ये आपका न्यू लेक्चर है जो आपने 1 और 2 क्लिप्स को कंबाइन करके आपके पास आ गया है। ठीक है, आई होप इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी और आपको लेक्चर रिकॉर्ड करने में आसानी होगी। थैंक। अच्छा, और अगर आपने एक ही लेक्चर फुल रिकॉर्ड कर दिया है और उसी के अंदर आपको कुछ शुरू का क्लिप चाहिए या बीच का क्लिप चाहिए या एंड का क्लिप चाहिए तो उसके लिए आप किस तरह से कर सकते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली रिकॉर्डिंग में से शुरू का कुछ पोर्शन चाहिए और एंड का पोर्शन चाहिए, बीच में से मुझे कुछ चीज़ें इसमें से डिलीट करनी है। तो मैंने इसको चूज़ किया, इसको मैंने कट का ऑप्शन चूज़ किया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लिप मुझे चाहिए 1 मिनट 56 सेकेंड तक, तो मैंने इसको शॉर्ट करके टाइम को सेट कर लिया और इसको फास्ट कटिंग चूज़ करके सेव कर लिया। नाउ मुझे इसी रिकॉर्डिंग में से रिकॉर्डिंग नंबर 5 में से मज़ीद कट करना है लेकिन अब मुझे एंड का पोर्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 मिनट थ्री मिनट 22 सेकंड पे मैंने इसको सेव किया और लास्ट में मुझे अगेन इसको थोड़ा शॉर्ट करना है लाइक दिस। ठीक है, अगेन फास्ट कटिंग चूज की, मैंने इसको सेव कर लिया। अब मेरे पास एक ही रिकॉर्डिंग में से 2 नई एडिटेड रिकॉर्डिंग आ गई हैं जिनको मैं एंड में जाके मिक्सिंग कर लूंगी। तो आप इस तरह से भी इसको एडिट कर सकते हैं और उसके बाद आप इन इसको और इसको सॉरी इसको और कंट्रोल का बटन दबा के इसको भी चूज़ करेंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे इस टूल से। यहाँ पे फास्ट ज्वाइनिंग चूज़ कीजिएगा और ये इसको ओके क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।